वहीं ललितपुर में एक छात्र के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर मार्कशीट व टीसी ना देने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत बीएसए से की गई थी, लेकिन पीड़ित पिता का आरोप है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ललितपुर थाना कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला आजादपुरा ललितपुर निवासी संदीप जैन पुत्र हरदयाल ने जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पीड़ित का पुत्र आयुष जैन संस्कार वैली अकेडमी स्कूल मसौरा खुर्द ललितपुर में पढ़ रहा, पैर टूट गया था। पैर टूट जाने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा ना कोई प्राथमिक उपचार कराया और ना ही पीड़ित को कोई सूचना दी गई। पीड़ित ने बताया कि मेरे बच्चे को मेरे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जिलाधिकारी आवास रोड पर स्कूल स्टाफ द्वारा छोड़कर चले गए थे और डर होने के कारण वो घर तक नहीं पहुंच पाया। एक दिन बाद जब पिता स्कूल गया और प्रबंधक से घटना की सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने नहीं दिखाई और पीड़ित को वहां से भगा दिया। उक्त घटना की शिकायत पीड़ित ने ऑनलाइन IGUP पुलिस पोर्टल एवं जिला अधिकारी ललितपुर से लिखित रूप से की थी। उक्त प्रकरण की जांच बीएसए द्वारा कराई गई, जो पूर्णतः सत्य पाई गई थी, फिर भी अभी तक स्कूल प्रबंधक के विरोध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब पीड़ित ने यह शिकायत की तो उसके बाद पीड़ित और पीड़ित के बेटे को स्कूल प्रबंधक द्वारा कई बार धमकी दी गई कि तेरे बच्चे का स्कूल से नाम काट देंगे। अब इसी बात से नाराज स्कूल संचालक पीड़ित के पुत्र की अंक सूची एवं टीसी देने से भी टाल मटोल कर रहे हैं। पीड़ित ने जिलाधिकारी से स्कूल प्रबंधक अजय जैन एवं प्रबंधक के भाई और स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कार्यवाही तथा पीड़ित के पुत्र की अंक सूची एवं टीसी दिलवाए जाने की मांग की है। बच्चे का पैर टूट गया था स्कूल में, उसकी शिकायत की थी मैंने, उस पर आज तक कोई जांच पूरी सत्य पाए जाने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारे को टीसी और अंक सूची बच्चे की नहीं दे रहे। ललितपुर से अशोक सेन की रिपोर्ट।